Hello guys, welcome to my channel Traveler KP. Here I'm back with another fresh video about the one hotel Sambhajinagar, previously called as Aurangabad. So let's begin. इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ द वन होटल को, लाइक यहाँ के रूम्स, फूड क्वालिटी एंड ओवरऑल स्टे एक्सपीरियंस विद द वन होटल। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम पहुंच गए हैं द वन होटल। सबसे पहले देखते हैं द वन होटल कहाँ पे है। द वन होटल सिचुएटेड टू जालना औरंगाबाद रोड नेक्स्ट टू सिडको फ्लाईओवर। ये एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल का एग्जैक्ट लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वो आप चेक कर सकते हो। यह होटल काफ़ी सारे ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स पर अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी बुकिंग कर सकते हो। मैंने बुक किया था गोआईबीबो से, बिकॉज आई गॉट अ बेटर रेट्स ऑन गोआईबीबो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन रेफर दैट टू बुक दिस होटल थ्रू गोआईबीबो। ये है होटल का रिसेप्शन एंड लॉबी एरिया। यहाँ पे चेक इन फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट करके बढ़ते हैं रूम की तरफ। हमने यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव रूम बुक किए थे, 1 इज विद सिंगल बेड एंड अनदर इज विद ट्विन बेड। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सिंगल बेड रूम कैटेगरी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रूम इज क्वाइट स्पेशियस एंड क्लीन। स्पेशली मुझे रूम का ये सेक्शन काफी अच्छा लगा। यू विल गेट अ सेपरेट वर्क स्टेशन एंड सिटिंग स्पेस। So let's check out the bathroom. Bathroom was also nice and clean. Also you will get a basic things like soap, moisturizer, shampoo, toothbrush, etc. So let's check out the another room category, which is twin bed room category. स्पेस वाइज बोथ द रूम्स आर सेम, बस यहाँ पे 2 सिंगल बेड्स थे। इस रूम में भी आपको सेपरेट वर्क स्टेशन और सिटिंग स्पेस मिल जाएगा। दोनों रूम में आपको टी एंड कॉफी मेकर मिल जाता है विद फ्यू टी एंड कॉफी सैशे। वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा लॉकर था और वार्डरोब भी। दोनों रूम्स में आपको यहाँ पे मिनी फ्रिज भी मिलता है, विच वॉज नाइस। अगर आप यहाँ पे रूम बुक कर रहे हो तो मेक श्योर आप विद ब्रेकफास्ट रूम बुक करें, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट भी काफी अच्छा था। Let's have a look at the breakfast menu. Breakfast के लिए आपको यहाँ पे काफी सारे food items मिल जाएंगे, and taste wise it was really good. ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सर्व किया जाता है। अगर आप यहाँ पे लंच और डिनर करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही अवेलेबल होते हैं, लाइक फ्यू ऑप्शंस इन स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड राइस एक्सेट्रा। तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन में से आपको खाना ऑर्डर करना पड़ता है। वैसे ही होटल रूम में भी फूड सर्व किया जाता है। तो ये था ऑल अबाउट द वन होटल संभाजीनगर। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्रैवलर केपी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।